उसके पीछे भाग रही थी और तुम डरते हो मेरे पीछे भी होली के दिन जब मैंने तुम्हें खिचड़ी में डाला था तब की याद नहीं है तुम्हें? सब कुछ याद है। मुझे नहीं लगता रंजना देवी आने वाली है। अरे अभी करीब आधे घंटे पहले उनसे बात हुई, कह तो रही थी कि वो आएंगी। खैर कुछ वक्त में हम लोगों के फासले तो बहुत कम हो गए, उन्हें आना ही चाहिए। ऐसे भी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तुम्हारे वक्त का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है आर्यमन, और शायद तुम्हें इंतजार करने की आदत है। क्या मतलब तुम्हारे इस बात का? कुछ मतलब नहीं, ऐसी बेमतलब बातें करने का मूड हो रहा है। ये सब तो ठंडा हो गया, मैं जरा गर्म करके लाती हूँ। हाय, सॉरी देविका, सॉरी एवरीबॉडी, मुझे देर हो गई, सॉरी। हेलो। वैसे इंतजार करने वालों के लिए आप फिर भी जल्दी आ गई। क्या इसका क्या मतलब है? इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये आज बेकार की बातें करने के मूड में। देविका तुम वहां कहां जा रही हो? किचन में जा रही हूँ कुछ और स्नैक्स लाने। अरे रहने दो, वैसे भी मुझे बहुत जल्दी है, आ जाओ आके बैठो। अरे आप तो आते ही जाने की बात करने लगे। सॉरी स्वेतलाना, कल रितु की शादी है और मुझे थोड़ा सा इंतजाम करना है। अरे हाँ, कल रितु की शादी है। कल रितु की शादी है, मुझे तो अभी तक इनविटेशन कार्ड नहीं आया। सॉरी, शादी जो है ना वो छोटे पैमाने में हो रही है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बुलाया है। ओ, मुझे लगा इतने सालों में इतने मायनों में मैं भी मल्होत्रा खानदान की मेंबर तो हूँ। खैर ऋतु की शादी की चर्चा बाद में, पहले आज का जश्न मना ले। शायद हम भूल रहे हैं कि किस खुशी को मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए। केशव मल्होत्रा के कातिल को पकड़ने की खुशी में, और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सर पे जो खतरा मंडरा रहा था ना उसे खत्म करने के लिए। राइट। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स।